कराची में जियो न्यूज के सीनियर रिपोर्टर अली इमरान सैयद को लापता हुए 17 घंटे गुजर गए। थाना सचल में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अहलिया का कहना है कि अली इमरान सैयद कल शाम को घर से बेकरी पर सामान लेने गए थे। मोबाइल फोन घर पर और गाड़ी घर के बाहर खड़ी है। गवर्नर सिंध और वजीर आला का नोटिस। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स का जियो न्यूज के अली इमरान सैयद के लापता होने पर इजहार तशवीश। एसोसिएशन का कहना है कि अली इमरान का अहले खाना से कोई राबता नहीं। सूबाई वफाकी हुकूमत सिक्योरिटी इदारे गुमशुदगी का नोटिस लें। सहाफियों को तहफ्फुज़ फराहम किए बगैर मीडिया की आजादी का हसूल नामुमकिन है। सच का गला दबाने की रविश नहीं बदली। आवाम 57 रोज से अपना पसंदीदा और हकायक पर मबनी खबरें देखने से महरूम। सहाफियों का 24 न्यूज की नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा। पाकिस्तान में मीडिया पर पाबंदियों के खिलाफ लंदन में भी एहतजाजी मुजाहरा। खुर्शीद शाह कहते हैं 24 न्यूज की बंदिश ज्यादती है। 24 न्यूज का कसूर यह है कि पीजीएम का जलसा दिखाया। उस वक्त मुल्क में आवाज उठाने वालों को सजा दी जा रही है। इजहार राय की आजादी खतरे में है। जो मीडिया हक की बात करेगा उसे सजा का सामना करना पड़ेगा। वजीर रेलवे शेख रशीद ने फिर झाड़ू फिरने का इंकशाफ कर दिया। कहते हैं सियासत में उखाड़ पछाड़ हो सकती है। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। जलसों से हुकूमत नहीं जाएगी। 90% कौम फौज से प्यार करती है। वजीर आजम इमरान खान ईसा खेल पहुंच गए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम कैडेट कॉलेज ईसा खेल में हॉस्टल का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमत को अपना खात्मा नजर आ रहा है। इमरान खान 15 जनवरी से पहले इस्तीफा दे देंगे। इमरान नियाजी को अक्सरियत नहीं अस्करियत की सपोर्ट थी, वो भी खत्म हो रही है। सिक्योरिटी देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जलसे में कोई नाखुशगवार वाकया हो गया तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। शहबाज गिल कौन है मैं नहीं जानती। मरियम नवाज की कोयटा में गुफ्तगू। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के वजीर आजम इमरान खान और उस्मान जार पर संगीन इल्जामात। मावन खसूसी उस्मान जार का स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर को खत। कहा कि ख्वाजा आसिफ के इल्जामात की तहकीक के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम की जाए। कमेटी ख्वाजा आसिफ से इल्जामात के सबूत तलब करे। कराची में FATF की बड़ी कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी इराक का अहम रुकन अब्दुल जब्बार उर्फ जफर टेंशन गिरफ्तार। FIU काम के मुताबिक मुलजिम अस्करी तरबियत के लिए 4 मरतबा भारत जा चुका। अजमल पहाड़ी और अरशद छोटा ग्रुप्स के साथ काम करता रहा।